भोले का भगवान होता है। आपका अगर मन साफ है ना तो हजारों साल की तपस्या की जरूरत नहीं है, परमात्मा आपको खुद को मिलने आ जाएगा। मैं आज आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूँ, सौराष्ट्र की घटना है। अपने यहाँ एक कोलवा भगत था, 12 साल से द्वारकाधीश के वहाँ जाता था और रोज भगवान को दूध चढ़ाता था। आप ये सोचिए कि उसकी भक्ति इतनी थी कि बात छोड़िए, एक दिन भी उसने छुट्टी नहीं की। 12 साल के बाद एक ऐसा समय आया कि आप अंदाजा लगाइए कि उस दिन उसको बाहर गांव जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? और बाहर गांव जब जाना पड़ा ना तो उसका छोटा भाई था नाभा, तो नाभा चारण था, उसको बोला कि मैं जा रहा हूँ कल भगवान के बाहर, तो तू भगवान को दूध चढ़ा देना। अब ये जो बंदा था ना, इतना भोला था, इसने सोचा कि यार शाम की टाइम थी, अपने गाय और भैंस को दूध दूह लिया और सोचा यार लेके जाऊं, यार ये तो जगत का बाप है, पूरी दुनिया का बाप है, तो छोटा मोटा दूध तो इसको नहीं। तो 6-7 लीटर दूध लिया उसने, लेके चला द्वारकाधीश के वहाँ। चले वहाँ पहुँचा, वहाँ पहुँचता है तो वो क्या देखता है, वो जैसे लेके गया कि आप पी लो दूध, आप भगवान कहाँ से दूध पियो। आधा घंटा बीता, घंटा बीता, इसने हाथ जोड़ा कि भगवान मेरा भाई आज नहीं आया और मेरे कपड़े गंदे हैं, सब बातें हैं, मैं लेट भी हो गया हूँ, पर दूध तो आपको पीना पड़ेगा। अब वो आधा घंटा हुआ, घंटा हुआ, अब ये चारण आदमी है ना, इससे रहा नहीं गया कि भगवान पीते हो कि ये लट लेके आया हूँ, आप पीते हो कि मैं लट बजाऊँ। भगवान उसके भोलेपन को देख के खुश हो गए और भगवान ने पूरा का पूरा 7 लीटर दूध पी लिया। आप सोचिए, वो दूध पिया, वो शाम हो गई, दूसरे दिन सुबह वो क्या, वो 7-8 लीटर लेके आया और भगवान को चढ़ाया और भगवान ने मुंह अपना निकल हो गया। शाम को उसका भाई आया कोलवा, जब कोलवा आया तो कोलवा को बोला, यार तेरे भगवान ठीक है पर यार इनको थोड़ी बहुत बहुत बनवार करनी पड़ती है, तब जाके ये दूध पीते। बोले दूध पीते, तूने दूध चढ़ाने का बोला था, दूध पिलाने का थोड़ी बोला था मैंने। बोले नहीं नहीं हुआ ऐसा। बोले तू क्या बात कर रहा है। बोले ये सोच के उसके मन में आया के लोग ऋषि मुनि हजारों हजारों साल तपस्या करते हैं ना तो भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, और ये बंदे ने ये क्या कर लिया। उसके मन में आया और वो सीधा पहुंचा द्वारकाधीश के वहाँ, और द्वारकाधीश के मंदिर के पीछे जाके खड़ा रह गया। पीछे जाके खड़ा रह के क्या बोला कि हे भगवान, अगर तुम सच्चा है तो तुम पीछे दूध भी ना हो। वो एक बार बोला, दो बार बोला, उससे रहा नहीं गया तो उसने क्या बोला कि भगवान अगर आप सच्चे हो और मैंने 12 साल आपकी तपस्या अगर सच्ची की है तो आप दूध पीने। तो मंदिर से आवाज़ आई कि ऐसा है कि तू एक काम कर, तेरा भी मैं दूध पी लूँगा, तू सामने से आ जा। ये बोला आपको आना तो पीछे ही पड़ेगा। क्या बोला? आना तो पीछे। तो उसने बोला कि यार पीछे कैसे, मैं तो आगे हूँ, तेरे क्या पाँव टूटे हुए हैं क्या, तू क्यों नहीं आ सकता। आप सुन के ताज्जुब करेंगे, वो कोलवा भगत ने दोनों पत्थर से दोनों अपने घुटने तोड़ दिए। बोला मुझे दर्शन करने आपको दर्शन देना ही पड़ेगा, मेरे तो पांव टूटे हुए हैं। और वो कोलवा भगत ने अपने पूरे के पूरे पांव, भगवान जब आने लगे तो बोला आप अकेले नहीं, द्वारका का पूरा मंदिर घूमेगा। तो द्वारका का मंदिर घुमाया और वो आए तो द्वारकाधीश, देखो अपने भक्त ने भगवान से पूछते हैं, पर इस बार भगवान ने भक्त से पूछा कि तूने पूरे मंदिर को ऐसे क्यों घुमाया। पूरी दुनिया में जितने भी मंदिर है ना, वो सूर्य को देखते हुए 33 करोड़ देवी देवता है, और ये तूने उल्टा साइड क्यों घुमाया, आतंक से साइड क्यों घुमाया। बोला भगवान ये 33 करोड़ देवी देवता हिंदुस्तान की, भारत की रक्षा करने के लिए सामने बैठे हैं, पर कोई तो ऐसा चाहिए जो पीछे से भी अगर कोई आ रहा है तो उसकी रक्षा करने के लिए चाहिए, तो आप पीछे बढ़िए। और ये सच्ची घटना है कि आज भी आप द्वारका जाएंगे ना, द्वारका का जो चेहरा है ना, जो द्वारका का जो देखेंगे ना मुख्य बात द्वार, वो पीछे की साइड है, वेस्ट साइड है। तो आपके मन में अगर सच्ची पर भक्ति है और अगर आपका मन सच्चा है ना, तो परमात्मा सर है ना आपके लिए खड़ा है। तो मन सच्चा तो कटौती में गंगा। अंकुर नमक असली नमक, नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं।